अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौर और स्वागत करता हूं आपका आज एक बहुत ही खास वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे आने वाली एग्जामिनेशन को अप्रोच कैसे करना है और आक्रमण करके शत्रु को परास्त कैसे करना है इसके बारे में। दोस्तों, अब एग्जामिनेशन को लगभग 2 से 2.5 महीने रह गए और इस 2 से 2.5 महीने में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए, इसके बारे में मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन मेरे साथ में मेरे दो दोस्त, मेरे कलीग्स अखिल रॉय सर और सिद्धांत शर्मा सर भी मौजूद हैं, जो आपको 500 नंबर की स्ट्रैटेजी बताएंगे। 300 नंबर अखिल रॉय सर के और 200 नंबर सिद्धांत सर के। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप जानते ही हैं, जीटी के बारे में अप्रोच कैसे रखनी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं बल्कि हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं उनसे सजेशंस लेके और उनसे रिकमेंडेशंस लेके आपको बता रहा हूं। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टीचर की जुबान से ही अगर हम सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब मैं अखिल रॉय सर को आमंत्रित करूंगा। ओवर टू यू अखिल रॉय सर, मैथ्स की स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि आप दोनों के सब्जेक्ट्स अकेले दम पर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाने की ताकत रखते हैं। जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी बड़ा वेटेज होल्ड करता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश से आप क्लियर कर जाते, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतियां मैथमेटिक्स में करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जीएस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपका टारगेट है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो आज हम लोग आक्रमण के बारे में बात करेंगे और उस आक्रमण में क्या करना है। हमारा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 1 सितंबर 2024। तो हमारे पास कुल मिलाकर 2.5 महीने से थोड़ा ही ऊपर का वक्त हमारे पास रहता है। तो क्या इन 2.5 महीनों में आप तैयारी कर सकते हैं, क्या आप इतनी तैयारी कर सकते हैं जिससे एग्जामिनेशन आप लोग क्रैक कर सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसी ही कुछ प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी हम लोग आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है NDA 2 2024 एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो जनरली बच्चों को पता होता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं, ताकि ऐसा कुछ मिसिंग जैसा फील आप लोगों को ना हो। करीब करीब जो आप लोगों को 2 पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, मैं पेपर नंबर 1 दैट इज मैथमेटिक्स, पेपर नंबर 2 इज फॉर GAT। दोनों को आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस देखा जाता है वो है मैक्सिमम मार्क्स में। तो मैथमेटिक्स में आपको 300 मार्क्स मिलते हैं और GAT के पेपर में आपको ओवरऑल 600 मार्क्स मिलते हैं, और इस GAT के पेपर में ही आपको 200 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश देखने को मिलेगा और बचा हुआ 400 मार्क्स आपको GAT के अलग अलग, जो GS के अलग अलग जनरल स्टडीज के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। एक मेजर फर्क मैं और आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि मैथ्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स, जबकि GAT का एक क्वेश्चन सही करने पर आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझनी है कि मैथ्स में तो मेहनत करनी ही है, लेकिन आपको स्कोर बूस्ट करना हो, अपने स्कोर को बहुत तेजी से ऊपर लेकर जाना हो, तो आपको GAT पर भी एक मजबूत पकड़ बनाकर चलना है, राइट? तो यह बात ध्यान रखिएगा कि 300 और 600 में से मैथ्स हमें 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन देगा और 4 मार्क्स GAT हमें पर क्वेश्चन देगा। चलिए, फिर उसके बाद हमारा जब रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है ओवरऑल 900 मार्क्स के कट ऑफ को पार करते हुए, उसमें से SSB इंटरव्यू के लिए आपको 900 मार्क्स का फिर से एक टेस्ट यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, जिसके अंदर आप लोगों को अगेन एक बेसिक कट ऑफ पार करनी होगी और फिर उसके बाद ओवरऑल जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार होगा। तो ये तो हो गया हमारा टारगेट, लेकिन अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग कौन कौन से जो हथियार हैं जिनको हमें जरूरत पड़ेगी, जिनकी मदद से हम लोग कॉन्फिडेंटली तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लास्ट 85 डेज का जो प्रिपरेशन के लिए आपको जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो है NCERT। स्पेसिफिकली बताओ तो NCERT आपके मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका रोल है, इसका काफी मेजर रोल प्ले होता है। मैं कहता हूँ कि थ्योरम्स वगैरह हों या फिर फॉर्मूले वगैरह हों या फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह हों, वो NCERT से काफी हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैथ्स को साइड हटा देते हैं। तो मैं GAT के अंदर एक बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले होता है NCERT का, वो मुक्तक सर आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स में आप लोगों को NCERT को बहुत डिटेल्ड फोकस के साथ उसको स्टडी करना है।
ठीक है, डेली स्टडी करना और प्रैक्टिस करना। अब ये प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर दें इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी, साथ में क्लास के अंदर क्वेश्चंस और लेक्चर्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आके, मैं मैथ्स को लेकर बात करूंगा बिकॉज मैं उसको लेकर ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। तो बच्चे आके कहते हैं कि सर मेरे से 10th की मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो क्या मैं एनडीए क्लियर कर सकता हूँ? बेटा हो तो सकता है, लेकिन अब आप अगर ये वाली स्ट्रेटेजी देख रहे हो कि 85 डेज के अंदर आप इसे क्रैक करना चाहते हो, तो थोड़ा ये मुश्किल नहीं नामुमकिन की तरफ ज्यादा स्लाइड होता जा रहा है। तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज अपने आपको थोड़ा समय दीजिए, अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए और फिर एनडीए की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले कीप योर बेसिक्स क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो रेफरेंस मटेरियल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जीएटी के लिए रेफरेंस मटेरियल्स आपको मुक्तक सर और सिद्धांत सर मिलकर बता देंगे। बाकी मैं मैथमेटिक्स के लिए बताता हूं कि पहली किताब जो सबसे पहले आपको करनी होती है वो है आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स की, जो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देती है। अब इसके बाद आप लोगों को और अच्छे लेवल पे अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप अरियंत की पाथफाइंडर को फॉलो कर सकते हैं, राइट? अच्छा, कंसाइज नोट्स बनाना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो क्वेश्चंस आप करवाते हो या फिर जो आप नोट्स लिखवाते हो तो उसे का शब्दशः लिख लिया जाए। नहीं, शब्दशः नहीं लिखा जाता है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको क्लास के अंदर 20 चीजें पढ़ाई जा रही है, उन 20 में से 10 आपको पहले से पता थी क्योंकि आप स्कूल में पढ़कर आ चुके हो, तो बच्चे नए 10 चीजें हैं ना, उन नए 10 चीजों के नोट्स बनाइए, या फिर जो भी चीज आपने पहली बार सुनी हो, पढ़ी हो, सीखी हो, उसके नोट्स बनाइए। हर एक चीज को नोट्स बनाने के लिए आपके समय लगेगा और समय आपके पास कम है। कंसाइज नोट्स बनाइए और ऐसे नोट्स बनाइए जिनमें एरो डायग्राम्स का इस्तेमाल हो या फिर बबल्स का इस्तेमाल हो, पॉइंटर्स में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, शब्दशः सारी चीजें लिखने की कोशिश थोड़ा साइड कीजिए, ठीक है। यूपीएससी के एनडीए के पीवीआईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ हेल्पफुल करते हैं, कहाँ ये आपको सटीक एक अंदाजा देते हैं कि क्या लेवल चल रहा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया आपको पता चल जाता है और आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आगे भी इससे मिलते जुलते सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो पीवीआईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल कई बच्चों का नहीं ठीक रहता है, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो जैसे मैं मैथमेटिक्स को अगर फील करता हूँ तो सुबह सुबह मैथमेटिक्स ना करें, रात के समय कोशिश करें मैथमेटिक्स को करने की, क्योंकि रात के समय क्या होता है कि आप सारी चीज़ों को वाइंड अप करने के बाद आप तसल्ली से बैठते हैं और जितना आपके पास समय होता है, नींद आने से पहले तक जितना भी समय होता है, आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। अखिल सर, अपॉलोजीज टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, लेकिन मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और इसीलिए वो रात को 10-10:30 बजे तक सो जाते हैं। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं सुबह करने में तो कुछ इशू तो नहीं? जी, मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हर किसी का ना एक पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, उनका माइंड को ग्रास करने का तरीका अलग होता है। सुबह पढ़ने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जिनको मैथ से बहुत ज्यादा बोरियत होती है। तो वो सुबह सुबह जब वो मैथमेटिक्स के साथ डील करते हैं ना, और उनसे जब नहीं होता है तो उनका डीमोटिवेटिंग वाला फैक्टर उनका एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरे दिन को ना वो उसी फील में ले जाते हैं जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते थे, या फिर जैसे कि जीएटी के सब्जेक्ट्स वो इंटरेस्टिंगली आपसे पढ़ सकते थे, आपसे बहुत सारी चीजें वो सीख सकते थे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से वो समझ सकते थे, लेकिन अगर वो सुबह सुबह मैथमेटिक्स को ले लेते हैं और उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका मन नहीं लगता है। तो मैं उन खासकर उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जिनको मैथमेटिक्स से थोड़ा कम लगाव है, वो फील नहीं ले पाते हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ना है ताकि वो एग्जाम क्रैक कर सके, तो मैं कहता हूँ उन्हें रात को लेना चाहिए। और जिस बच्चे को जैसा अगर मैथमेटिक्स के साथ अच्छा लगाव है तो वो सुबह बोलो सर सुबह कर लेगा, शाम को बोलो वो शाम को कर लेगा, उसे कोई कभी दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आने वाले। सर एक क्वेश्चन इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। जी सर। जैसे सर मैंने एक चीज नॉर्मली नोटिस की है कि एनडीए वाले बच्चे कहते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत टफ आएगा, उनके दिमाग में एक हवा होता है सर, शायद आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक मतलब सिंपल स्टूडेंट से मैं पूछूं तो की तरह पूछूं तो सर व्हाट इज द आइडियल टाइम to be devoted to mathematics from this particular point of time, sir? Okay. सर क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है और यकीन मानिए मैंने बहुत सारे बच्चों से सेम सवाल मैं बार बार देखता हूँ कि वो पूछते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को
मतलब वेटेज रखते हुए हम कहते हैं कि सर हर बच्चे की सीखने की जो पेस होती है वो अलग होती है। अब अगर मैं ये कह दूं कि 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो, तो 2 घंटे किसी बच्चे के लिए मोर देन इनफ टाइम होगा, 2 घंटे किसी बच्चे के लिए बहुत कम समय होगा। तो मैं हमेशा बच्चे को ये कहता हूं कि आपको अगर 10 सवाल करने के लिए आपने टारगेट दिया अपने आपको कि मुझे आज 10 सवाल अच्छे वाले करने हैं या फिर 20 सवाल थोड़े मॉडरेट वाले करने हैं, अब वो 10 सवाल आपको 1 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटा दीजिए, लेकिन अपने आपको फ्रूटफुल बनाइए, अपने अचीवमेंट्स को कवर कीजिए। और अगर वो 10 सवाल करने में आपको 3 घंटे लग रहे हैं तो अपना टाइम ऐसे मैनेज कीजिए कि मैथमेटिक्स को वो 3 घंटे आप निकाल सकें और बाकी चीजों को प्लान आउट कर सकें। तो ये कोई ऐसा मंत्र तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अगर मैंने 2 घंटे बोल दिया तो वो 2 घंटे सबके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो आई गेस ये हर बच्चे को अपने लर्निंग पेस के हिसाब से इसे थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट किया था कि टाइम के हिसाब से कभी मत पढ़ो, टास्क के हिसाब से पढ़ो। अगर आपने टास्क पूरा कर लिया है तो भले आधे घंटे में कर लिया है तो उस टास्क को पूरा मानो, भले ही रिलैक्स करो उसके बाद। और अगर टास्क पूरा नहीं किया है तो शायद 2 घंटे भी एक्स्ट्रा देने पड़ जाए तो 2, लेकिन टास्क पूरा होना चाहिए। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये टाइम टेबल को बड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चा ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है कि मुझे टाइम टेबल है। मैं कहता हूँ टाइम टेबल बनाओ, लेकिन कुछ इस तरीके से बनाओ कि मैंने अगर 10 सवाल का टारगेट दिया है, मैं इसे 2 घंटे में करना चाहता हूँ, तो अपना वो टारगेट रखो कि मुझे 2 घंटे में करना है, लेकिन अगर वो 3 घंटे लग रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वो करना है। बट हाँ, ये टाइम टेबल इसलिए बनाया जाता है कि आपका एक पूरे दिनचर्या में ये समझ में आ जाए कि आपके कौन कौन से टू डू लिस्ट हैं, आपको जो करना है, आपके टास्क कैसे हैं, वो सारे टास्क आपको पता रहे, याद रहे, आप कोई चीज मिस ना करो। दैट इज वाई टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट, कि पर डे टाइम टेबल बनाओ। ये कोई वो वाला टाइम टेबल नहीं होता है कि आपने जो कि स्कूल में जो टाइम टेबल होता है 6 दिन का, आपने टाइम टेबल बना दिया कि सुबह पहला पीरियड ये होगा, दूसरा पीरियड ये होगा, ये वो टाइम टेबल नहीं है। जब आप इस तरह की बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, स्ट्रैटेजी आपको बनानी होती है, तो आप हर दिन का अपना एक नया टाइम टेबल सेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचकर चलना है कि आज मुझे कौन से टारगेट लेकर चलने हैं। मेरा सही मानना तो ये है कि आप सुबह उठिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मुझे आज कौन कौन से टास्क लेने हैं, उसका एक पूरे दिन का टाइम टेबल बनाइए और उसे पूरा का पूरा फॉलो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप उसे पूरा फॉलो करके कंप्लीट भी करें। तो मुक्तक सर, आप कुछ इन चीजों में एड ऑन करना चाहें तो प्लीज बताइए बच्चों को। बिल्कुल सर, आपने जो टाइम टेबल की बात कही तो मैं यही सोच रहा था कि टाइम टेबल तो हर इंसान का होता है, आलसी इंसान का भी टाइम टेबल होता है कि आलस कब कब करना है, कितनी देर सोना है। तो ये जो बात है ना कि टाइम टेबल सबका होता है। अगर कोई 11 बजे सो के उठ रहा है तो टाइम टेबल उसका भी है कि भाई 11 बजे उठूंगा। तो बात यहाँ पे टाइम टेबल की तो है ही सही, लेकिन टाइम टेबल में आपको एक्शन करना है ना, लिथार्जिक नहीं रहना है। तो टाइम जैसे आपने बता दिया, वो बात जो थी आपने बता दी कि आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो वो टू और डू जो वर्ड आए थे ना, उसमें सब कुछ कवर हो गया, एक्शन कवर हो गया। वरना मैं मुझे ये सोच के हंसी आ रही थी कि अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ाई नहीं कर रहा है तो टाइम टेबल तो उसका भी है कि मैं 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, फिर मैं घूमने तो खैर कोई जाता होगा 11 बजे उठ के, लेकिन फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर खाना खा के फिर सो जाता हूँ, फिर शाम को दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ, रात को, ये भी एक टाइम टेबल है। रात को मोबाइल चलाता हूँ 2 बजे तक, और फिर टाइम टेबल तो ये भी है, लेकिन टाइम टेबल वो टू डू लिस्ट वाला होना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो वो आपने बिल्कुल कवर कर दिया, उसमें कोई और ऐड नहीं करना है। बाकी मॉक टेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंस मैं चाहूंगा कि सिद्धांत सर एक बार बताएं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट। धन्यवाद जी। तो मॉक टेस्ट के बारे में ना, मैंने देखा कि बहुत बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, रेगुलरली देते हैं, सर आपने भी नोटिस किया होगा। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना डीमोरलाइज हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं कि सर मेरा स्कोर जो है, सर लेटर से कोई 300 में से इतना बन रहा है, 100 में से इतना बन रहा है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट को अगर प्रोडक्टिव बनाना है ना, हारे हुए इंसान में और जीते हुए इंसान में ये फर्क है कि अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि भाई, कभी कभार क्या, ज्यादातर यही होता है, बच्चे लगे रहते हैं कि भाई मैं एक मॉक टेस्ट दिया, 2 दिया 3 दिए, लेकिन गलती हुई तो क्यों हुई, उसको ट्रबल शूट करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी है मॉक टेस्ट का। सर सही बोला मुक्तक सर, अकॉर्डिंग टू यू, कि अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो बस अपनी गलतियों को एनालाइज करो और रेगुलरिटी मेंटेन करो, राइट। वो जैसे कहावत है ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यस राइट, राइट सर।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर यहाँ पे सबसे एंड में लिखा हुआ पास्ट वन ईयर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के बारे में सर आप लोगों से भी बात हुई थी और हमारे बाकी फेलो टीचर्स भी थे, तो हम सब ने एक ही चीज़ कंक्लूड करी थी और उस पर हम सब एग्री थे कि करंट अफेयर्स सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए तो है ही सही, लेकिन SSB के लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है ये सब एक बार हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा, हम लोग मिले थे सब। बिल्कुल सर। तो मैं स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स को बिल्कुल ये सोच के छोड़ तो मत ही देना, अरे एक बार भले हिस्ट्री छोड़ दो तुम, एक बार मैं चला लूंगा, लेकिन करंट अफेयर्स मत छोड़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको SSB में भी काम आएगा। SSB में आप जब इंटरव्यू दोगे तब आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जाएंगे ही सही। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस में आप जाओगे तब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ पे करंट अफेयर्स का नॉलेज यूज हो सकता है, एंड लेक्चरेट्स में भी जब आप जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स आपके सामने ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज यूज होता हो। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स को पिछले एक साल, और देखो ये आज नहीं बता रहे हम आपको, ले तो जब से हम पढ़ा रहे तब से बोलते, और हम एक स्लाइड भी शेयर करते हैं लेक्चर के एंड में कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, उसको स्कैन करो, उसको गो थ्रू करो, उससे नोट्स बनाओ। तो आई होप कि सारे जो स्टूडेंट्स अवेयर हैं वो बनाते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना शुरू कर चुके, एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी पिछले 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें हम बता रहे हैं कि आगे के 2 महीने में क्या करना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तय किया है कि अब हम पढ़ेंगे और NDA का एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका तो मोमेंटम बन चुका है और वो उसी मोमेंटम को फॉलो करें, लेकिन जो अभी नए आए हैं स्टूडेंट कि बस अब करना है NDA, हमें तो पता ही नहीं था, अब फॉर्म भर दिया है, अब लग रहा है कि अब करना पड़ेगा, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए। तो अब ये 2.5 महीने का जो वक्त है, इस 2.5 महीने के वक्त में 1 साल का करंट अफेयर्स आपको करना है, लेकिन बिल्कुल भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन कौन से नेशनल इंपॉर्टेंस के और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स थे और उन सारे इवेंट्स के बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाना है ताकि आप आइडिया याद रख सको उसका। आपको एक एक फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हो सकता है आपकी उतनी अच्छी ग्रैस्पिंग पावर है तो बिल्कुल कर लो, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो आइडिया ले लो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना आपको एग्जामिनेशन के अंदर तो 4 ऑप्शन भी आएंगे उसके साथ में, और अगर इफ यू हैव द आइडिया तो फिर आप उन 4 ऑप्शंस में से कम 2 एलिमिनेट कर दोगे और बचे हुए 2 में से आपके सही आंसर मार्क करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, राइट? तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, भले ही आपके पास 2.5 महीने का वक्त है, लेकिन 2.5 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बुलेट पॉइंट्स जरूर याद कीजिएगा। अब हम अगली स्लाइड। जी सर, कुछ किस आप दोनों में से कोई कुछ कह रहा था सर? जी सर, नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके सर, हम अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में अब मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का बिल्कुल भी, अब अखिल मेरा भी नहीं है। जी सर, तो बिल्कुल ये बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी मुक्तक सर ने अभी कहा, तो मैं उनकी बात एक बार दोहरा कर अपने इस पूरी स्लाइड के बारे में बात करूँगा कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहले से पढ़ रहे हैं। पिछले 2 महीनों से हमारे जब ने हमने बैचेस वगैरह लॉन्च करने शुरू किए थे, जब भी हम लोगों ने डिटेल्ड बातें बतानी शुरू करी थी, तब से हमें जो भी बातें बताई गई हैं तब से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी एकदम से जो बच्चे होते हैं कि सर हमने तब से तो ध्यान नहीं दिया, तब हम कुछ काम में बिजी थे, हमारे पेपर चल रहे थे, हम यहाँ पर थे, हम वहाँ पर थे, तो अब सर अगर पढ़ाई करना शुरू करें तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको अगर हम कर लें तो सर एटलीस्ट हमारा ये रिटन एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो जाए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले वो चैप्टर्स जिनको अगर आप ईमानदारी से बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आप आराम से 120 में से 70 से 80 सवालों को कवर कर सकते हो, और सही सही जवाब लगाने के लिए आप बस ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहो। तो आइए बात करते हैं वो कौन से चैप्टर्स हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस काफी अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, 6, 7, 8 सवाल तक पूछे जाने की संभावना यहां पर बनती है, तो ये अच्छा स्कोर आपको देगा। दूसरे नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इसे कंप्लीट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तीनों को अगर मैं मर्ज करके चलूं तो 13, 14, 15 सवाल तक यहां पर पूछे जाने की वेटेज बनती है।
और इसके लिए मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो क्लास 11th की आरडी शर्मा का एक एक पन्ना ऐसे प्रैक्टिस करो कि यही सवाल पेपर में आएगा। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो यू विल सी दैट कि आपको फॉर्मूले याद होने शुरू हो गए हैं, आप फॉर्मूले को रिकॉल करना स्टार्ट कर देते हो, और रिकॉल जब होने शुरू होते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं कि क्या मैं ये फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, या मैं इस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड प्रैक्टिसिंग आरडी शर्मा फॉर ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये चीज जरूर करें, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग आगे बात करें तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये करीब करीब बेटा 6 से 8 सवाल तक की वेटेज होल्ड करता है, कभी कभी ज्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर काफी सवाल देखे जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। आसान सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, 1-2 सवाल तो मुश्किल बेटा पूछ ही सकते हैं, लेकिन मेजरली आसान सवाल पूछते हैं तो ये भी अच्छा खासा वेटेज होल्ड करेगा। नेक्स्ट स्टेज में सीक्वेंस सीरीज, एपी जीपी तो ये फेवरेट है मतलब यूपीएससी का। वो एपी जीपी सिर्फ अकेला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल नहीं पूछता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसको डाल देता है, लॉगरिथम में डाल देता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में डाल देता है, पता नहीं कहां कहां डाल देता है यार, फंक्शन में भी डाल देता है कई बार। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तो डेफिनेटली आप बाकी चैप्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ साथ बेटा यहां से करीब करीब 5 से 6-7 सवालों तक की वेटेज यहां पर देखी जाती है कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज में, पॉइंटर है, ठीक है। लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, अच्छा खासा वेटेज है लिमिट्स में, 4 से 5 सवाल, कॉन्टिन्यूटी में 1 से 2 सवाल, और डेरिवेटिव्स के अगर लगाए तो 3 से 4-5 सवालों तक पूछता है, यानी ओवरऑल वेटेज अगर मैं अंदाजा लेकर चलूं तो 7 से 9 सवालों तक का वेटेज लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स मिलकर रहता है, क्योंकि आपस में इनका अच्छा खासा कनेक्शन है, इसलिए इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, अलग अलग पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। इसके बाद बेटा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स आता है, मैं चाहूं तो आप लोगों को रिकमेंड कर सकूं, लेकिन अगर आपके पास समय बचता है तो आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है तो आप उसे साइड कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं कहते हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का, ठीक ठाक वेटेज है, आप उसे अगर समय है तो कर लीजिए, नहीं है तो जाने दीजिए। नेक्स्ट स्टेज में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इनडेफिनेट मिलाकर ये करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और अच्छा खासा वेटेज आप लोगों को मिलेगा। काफी सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, काफी काफी सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद बेटा बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैं कहता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको टफ लगती है तो सारा मत कीजिए, उसका सबसे पहला पार्ट ऑर्डर एंड डिग्री कर लीजिए, क्योंकि वहां से 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछे जाने की कंफर्मेशन है कि ऑर्डर एंड डिग्री से 1 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 2 भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आप ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना कर लीजिए, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वेटेज ठीक ठाक है, 4 से 5 सवालों की वेटेज यहां पर रहती है। वेक्टर अलजेब्रा में मैं 3-डायमेंशन ज्योमेट्री में जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन आती है, मैं इसे अलग नहीं कर रहा हूं, मैं इसको मिलाकर कन्वर्ज करके मैं बोल रहा हूं कि भाई वेक्टर अलजेब्रा एंड 3-डायमेंशन ज्योमेट्री दोनों को अगर कंसाइज कर दिया जाए तो उस बेसिस पर कितने सवाल बनते हैं, करीब करीब 6-7-8 सवालों का वेटेज ऐसे घूमता फिरता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो एवरेज हम लोग 7 सवाल मानकर चलते हैं, ये भी अच्छा खासा वेटेज देता है और इजी टॉपिक होता है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेटा ये 20 सवाल कहीं नहीं गए, 20 के 19 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, लेकिन एवरेज हमेशा 20 सवाल ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रखता है। बहुत 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 बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट है ये, और ये गेम चेंजर होता है किसी बच्चे के लिए। बच्चा एक खास तरह की गलती करता है, वो पेपर में स्टार्टिंग के क्वेश्चन लगाते 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 कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, और अगर यहां 20 सवाल है तो 20 में से करीब करीब 15 सवाल तो ऐसे होते हैं जिनको देख कर आंसर लगाया जा सकता है, बच्चा यहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो अगली बार के लिए याद रखिएगा बेटा, कुछ ऐसे तैयारी करें और कुछ ऐसे एग्जाम को अटेम्प्ट करें कि आप यहां तक जरूर जाएं, क्योंकि ये आसान सवालों की लिस्ट रहेगी। लास्ट में हम लोग पीएनसी की बात करते हैं, पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम। पीएनसी अपने आप में 4 से 5 सवाल लेगा और बाइनोमियल थ्योरम की भी वेटेज 4 से 5 सवालों तक की होती है, तो यहां भी आप लोग 10 क्वेश्चंस का वेटेज होल्ड कर सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आपको एनडीए 2 2024 के लिए टारगेट करना चाहिए इन द स्ट्रेटजी ऑफ 85 डेज। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए और देखिए बेटा कैसे आप लोगों को स्कोर बूस्ट करने में हेल्प मिलता है। तो अब आगे वाली स्लाइड में बात करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हम लोग नहीं करना चाहते हैं। जी मुक्तक सर, अब आप जीएटी के बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए कि क्या उनको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए सो दैट बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके एग्जामिनेशन में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर जीएटी की जहां तक बात आती है, एक जमाना हुआ करता था मुझे याद है जब लोग मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ते थे, जीएटी बहुत कम पढ़ते थे या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, पर क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में बहुत अच्छे होते थे
एनडीए के एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते थे, अभी भी कर सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स में बहुत ही बढ़िया है और इंग्लिश में भी उतना ही अच्छा है तो क्वालिफाइंग नंबर वो ला सकता है, टेक्निकली, प्रैक्टिकली तो नहीं कहूंगा लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है। लेकिन अब क्या हो गया है कि स्टूडेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं और दूसरा रिसोर्सेज इतने ज्यादा हो गए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जीएटी पढ़ने को बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, और इसीलिए अब स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ साथ अपने आप को जीएटी के भी कई सब्जेक्ट्स में दुरुस्त बनाना शुरू कर दिया है। और उससे हुआ क्या है, कट ऑफ राइज हो गया है। ओवरऑल मेरिट लिस्ट जब बनती है तो कई स्टूडेंट जो शायद मैथ्स और इंग्लिश के दम पे रिटन क्वालिफाई किए हुए होते बट शायद यहाँ पे कमजोर होते तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बना पाते। इसीलिए इस वक्त एक ऐसा समय आ गया है कि आप जीएटी के सब्जेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अब जीएटी के सब्जेक्ट्स में पहले तो ये देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका कितना वेटेज होता है। करंट अफेयर्स लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाएंगे, इंग्लिश जहां पे कि आप जानते ही हैं कि 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जियोग्राफी जहां पे कि आपसे 20 से 25 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, पॉलिटी अभी कम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पॉलिटी के, लेकिन यू नेवर नो कि कब पैटर्न चेंज हो जाए या कब ट्रेंड चेंज हो जाए। लेकिन हाँ, अभी हम अभी के ट्रेंड के हिसाब से ही चलेंगे। इकोनॉमिक्स से भी एनडीए के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज होता रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे ही जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर 12 से 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे और बायोलॉजी के अंदर भी आपको लगभग 12 क्वेश्चंस आएंगे। और एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा जो थोड़ी देर पहले अखिल सर ने कही थी, यहाँ पे हर क्वेश्चन 4 नंबर कैरी करता है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम कुछ सवाल सही कर पाए या काफी सवाल सही कर पाए तो एकदम से हमारा स्कोर क्या हो जाता है, राइज अप हो जाता है, बहुत तेजी से राइज होता है स्कोर। तो जीएटी आपको ये मदद कर सकता है। अब मेरा ये कहना है आपसे कि हमारे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं वो पीसीएम बैकग्राउंड के होते हैं। अभी भी ये वीडियो जो देख रहे होंगे कि आखिरी के 2.5 महीने में प्रेपरेशन करनी है, तो मैं उनको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आप क्या करो कि क्योंकि आप पीसीएम से पढ़ाई कर रहे हो तो देखो फिजिक्स आपने पढ़ा ही होगा, ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ ही रहे हो, तो आप फिजिक्स के ऊपर अच्छा वर्क कर लो क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, राइट? तो अगर यहाँ पे आपने वर्क कर लिया अच्छा तो फिजिक्स के 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 15-16 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए तो बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा आपका। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा केमिस्ट्री, अगेन इसीलिए क्योंकि केमिस्ट्री भी आप पढ़ ही रहे हो, आपने पीसीएम लेके रखा हुआ है, तो केमिस्ट्री में भी 12 से 15 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर ये केमिस्ट्री जो बहुत टफ नहीं आता, हालांकि कभी टफ भी आ सकता है लेकिन जनरली एवरेज पूछा जाता है केमिस्ट्री, बहुत टफ साइड पे वो जाते नहीं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पे भी आप 7-8 क्वेश्चन कम से कम आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो इजी लेवल के आएंगे या मॉडरेट लेवल के आएंगे, जो आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी जो आप पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करते हुए इसको भी स्कोर कर सकते हो। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट मैं आपको कहूंगा वो है जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी का वेटेज ज्यादा होता है, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं और जियोग्राफी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का भी अच्छा वेटेज होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं जियोग्राफी को रेकमेंड कर रहा हूँ इवन मेरे सब्जेक्ट से भी पहले, क्योंकि अगर आपने जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया बहुत अच्छे से तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा सकते हो, मतलब आपको कम टाइम देना पड़ेगा और आप ज्यादा नंबर ला सकते हो। और एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स अच्छा है, एक फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल होता है एक कॉन्सेप्चुअल होता है, अगर आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है तो जियोग्राफी के कई टॉपिक्स को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दो सब्जेक्ट काफी एक दूसरे से रिलेटेड लगते हैं, स्लाइटली है लेकिन रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिल गए, यहाँ पे आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिल गए, यहाँ पे लगभग आपको 12 क्वेश्चन मिल गए, तो 20 और 20 40 और 12 यानी कि 52 क्वेश्चन आपके पास आ गए। अभी देखो 52 क्वेश्चन आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 200 से कुछ ज्यादा नंबर हो गए। अगर आपने मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में अच्छा किया और यहाँ पे फिजिक्स में केमिस्ट्री में और जियोग्राफी में अच्छी जान लगा दी तो क्या होगा, आपके पास में 200 नंबर का और स्कोप बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करते,
हिस्ट्री की बात कर लेते, हिस्ट्री से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते, जैसे कि मैंने कहा कि 15 से 20 क्वेश्चंस तक पूछे जाते, और हिस्ट्री में 4-5 क्वेश्चंस वो ऐसे पूछेंगे ही पूछेंगे जो इजी होते, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाकी 6-7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे या मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री में एक सुझाव देता हूँ कि आप एक काम करो, एनसीईआरटी, आखिरी के जो 2.5 महीने आपके बच्चे हुए हैं, आप एनसीईआरटी उठाओ। और एनसीईआरटी कौन सी उठाओ? 12th की एनसीईआरटी उठाओ, और कोई सी मत उठाओ। और 12th की एनसीईआरटी उठा के उसकी जो थीम्स हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3, उसके सारे चैप्टर, गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स, और हर चैप्टर्स के अंदर जो ब्लू हाइलाइटेड बॉक्सेस होते हैं, उन ब्लू हाइलाइटेड बॉक्सेस को अच्छे से रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसके बुलेट पॉइंट्स बना लो। जनरली उन ब्लू हाइलाइटेड बॉक्सेस के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं लिखे हुए होते, फैक्ट्स लिखे हुए होते, और एज इट इज उस तरह के फैक्ट्स एग्जाम के अंदर पूछते ही पूछते, हर बार ही पूछते, कोई ये नई बात नहीं कि इस बार पूछेंगे, हमेशा से ही पूछते आए, राइट? तो हिस्ट्री में अगर आप 2.5 महीने का काम कर रहे हो तो सिर्फ इतना कर लो कि 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, एंड सेम गोज फॉर दिस इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, तो अगर आपने 9th-10th तक भी अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा था तो आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो। जस्ट गो थ्रू इट, एक बार सिलेबस जरूर चेक करो, है ना। ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि भले ही आप पहले से तैयारी कर रहे हो या अभी आपने किताब उठाई है, चाहे मैथ्स की बात हो, इंग्लिश की बात हो, या फिर यहाँ पे GAT के सब्जेक्ट्स की खास तौर पे बात हो, तो आप एक काम करो, कुछ भी पढ़ना शुरू करने से पहले, खास तौर पे मैं बायोलॉजी के बारे में आपको कहूंगा, एक बार जस्ट गो थ्रू द सिलेबस। आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ चुके हो पहले, आपके लिए कोई अनजान टॉपिक्स नहीं है, और वो जो थोड़े बहुत टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, जो आपको समझ में आते, उन्हीं को पढ़ो, एंड मेक श्योर कि उनसे जो क्वेश्चन आए एक भी आपसे मिस नहीं हो, राइट? पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि अभी वेटेज कम है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, और कोई सी भी आप किताब ले सकते हो, कोई मैं एक पर्टिकुलर किताब का मेंशन नहीं करूंगा, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती, सभी बुक्स अच्छी होती, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उस बुक को कितना अच्छे से पढ़ते। तो कोई सी भी बुक जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगती हो, उसमें से बेसिक पॉलिटी उठाइए, आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए, आपका प्रीएम्बल हो गया, जो आपके प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ और राइट्स होते, प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटीज़ होती, राइट्स होते, वो सारी पावर्स जो होती है वो सब आप एक बार पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप चैनल पे बने रहोगे तो हमारे जो बाकी टीचर्स हैं, फेलो टीचर्स हैं, जो आज हमारे साथ नहीं आ सके दूसरे सब्जेक्ट के, वो आके आपको स्ट्रैटेजी बताते रहेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में एज ऑफ नाउ आप फॉलो कर सकते हो विशाल सर को, विशाल सर डेली करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स लेते हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के ऊपर, एंड एट द सेम टाइम विशाल सर आपको क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में भी बहुत कुछ बताते रहेंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे टिप्स भी मिलते रहेंगे, नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो GAT के अंदर आपको बहुत रणनीति के साथ में काम करना है, जैसे कि मैंने सजेस्ट किया कि अगर आप PCM बैकग्राउंड के हो तो फिजिक्स पे फोकस करो, केमिस्ट्री पे फोकस करो, जियोग्राफी के ऊपर फोकस करो। ये 200 नंबर से आपको 200 नंबर का स्कोप दे रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स आपको, और फिर उसके बाद मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट्स को रखा है। तो आई होप कि GAT के अंदर ये जो रणनीति बनाने वाली जो बात मैंने आपको बताई कि सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से उनको तवज्जो दो, वो आपको समझ में आई होगी। अब मैं सिद्धांत सर को बुलाऊंगा। ओवर टू यू सिद्धांत सर, आप इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश भी। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुक्तक सर। एंड दोस्तों, इंग्लिश के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स पोजेस करेगा, राइट? तो 50 क्वेश्चंस हमारे पास हैं टैकल करने के लिए, ठीक है? और एक बात जैसे सर बता रहे थे GS का, सच बताऊं भाई, मतलब क्या बात है। एंड इंग्लिश में तो मेरा तो BP लो हो गया था, GS का इतना सिलेबस करने पड़ जाए ना भाई, क्या बात है ना। लेकिन इंग्लिश गाइज, आप सभी को पता है ये एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है? थोड़े से सिलेबस में बहुत ज्यादा स्कोर आपको मिल जाता है, ठीक है? तो जैसा सर ने बताया था कि लोग इंग्लिश और मैथ्स के दम पे NDA को निकाला करते थे, लेकिन द थिंग इज अभी कंपटीशन बढ़ गया है, कट ऑफ हाई हो गई है, तो हमें होलिस्टिक लर्निंग करनी है, हर एक चीज को हैंडल करना है। अब आपने रिसेंटली NDA में 2 बार देखा होगा, इस बार और इससे पिछली बार, पिछली बार भी पैटर्न चेंज हुआ था, इस बार भी पैटर्न चेंज हुआ।
तो भाई मैंने तो यूपीएससी का नाम रख दिया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अनप्रिडिक्टेबल है ना सर्विस कमीशन, तो यू आर अनेबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज गोना कम एंड व्हाट इज नॉट गोना कम, ठीक है। सो इसलिए इस बार का स्ट्रेटजी कुछ यू रखने वाला हूं मैं कि बच्चों बेस को अच्छा तगड़ा करते हुए हम तरह तरह की चीजें सीखेंगे कि पेपर में कुछ भी आ जाए। जैसे इस बार आपने नोटिस किया होगा कि भाई स्पॉटिंग एरर का नामो निशान नहीं था, उसकी जगह पर सेंटेंस कंप्लीशन आपको डाल दिया गया, क्लोज टेस्ट डाल दिया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल दिया गया। घुमा फिरा के है क्या? घुमा फिरा के है तो इंग्लिश ग्रामर ही ना। तो स्टूडेंट्स बस याद रखना है एक प्रॉपर अप्रोच अगर आप करते हैं, ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं 12 टॉपिक्स, ठीक है, इनके बीच में भी थोड़े बहुत हैं लेकिन मेजरली ये टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका ग्रामर में कोई भी नंबर नहीं जाएगा। अब देखिए जैसे इंग्लिश में बोलूं सिर्फ तीन ही वर्ड्स में कवर हो जाती है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग। आपके सर आप हर बार ये बताते हो तो बताऊं ही क्या, इंग्लिश इतनी ही है दोस्तों। बस याद रखिएगा इंग्लिश ग्रामर को अपनी बैकबोन बनाओ, ठीक है, वोकैबुलरी से उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करो और रीडिंग का हैबिट बना लो। बहुत ईजिली आप इंग्लिश के 50 में से 40 प्लस क्वेश्चंस बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे एंड विद 100% एक्यूरेसी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए जैसे अगर ग्रामर के सिलेबस की बात करें कि भाई ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग होती है बिल्कुल बेसिक टॉपिक यानी कि नाउन से, है ना, नाउन आर्टिकल तो है ही क्या, नाउन का चेला ए एंड द, है ना, एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वर्ब्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि भाई सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या समझौता हुआ, राइट, इसमें वो सब लोग गिरते हैं जो मैं बोलूं अंग्रेजी बैकग्राउंड से होते हैं और वो कभी ग्रामर पढ़ते नहीं और भाई हम तो कर लेंगे, क्योंकि जब मैं ही के लिए इज लगा दूंगा, दे के लिए आर लगा दूंगा, लेकिन अगर मैंने ही और दे दोनों दे दिए और वर्ब एक लगी तो पड़ता है पंगा कि भाई ही के साथ चलूं या दे के साथ चलूं। तो ऐसे बहुत से रूल्स इन टॉपिक्स में आपके कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज आप देखेंगे प्रोनाउंस और एडजेक्टिव, आप खामियाजा भुगत चुके हैं कि भाई इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का टॉपिक आपको प्रेजेंट हुआ। मैं पिछली बार भी मतलब हालांकि एनडीए वालों को हैंडल नहीं कर रहा था लेकिन मैं कह रहा था बच्चों को कि भाई कुछ ना कुछ नया आपको जरूर आने वाला है ना, तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन था और बच्चे बौखला गए बिकॉज उनको यूजेज तो आता है लेकिन पहचान नहीं है। मतलब यूं कहो कि भाई तलवारों के टाइप्स है, कोई सामुराई है, कोई अलग अलग नाम है ना, तो उनकी पहचान अगर आ जाए तो बच्चा बौखलाने लगता है ना। तो ये करके प्रोनाउन और एडजेक्टिव बहुत क्लासिक टॉपिक्स हैं दोनों, हमने बहुत से क्वेश्चंस इनके किए हैं कि क्या जैसे मैं बोलूं माय एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है। मैंने आप यकीन मानिएगा बच्चा लोग कि टीचर्स माय को प्रोनाउन कह देते हैं, ठीक है, लेकिन माय और माइन कैसे चलेंगे सारे टेबल्स बनाते हुए इनको पूरा क्लियर करेंगे। एंड एडवर्ब्स तो भैया जी एडजेक्टिव्स के साथ दहेज में ही आ जाता है। फिर बात करते हैं जी हमारे कंजंक्शंस, सबसे छोटा टॉपिक और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला है ना वो कंजंक्शन है, खास करके कोरिलेटिविटी। एंड प्रेपोजिशन भैया जी इसका कोई अंत नहीं है, प्रेपोजिशन को मैं आत्मा बोलता हूं, ये ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, बिकॉज फ्रेजल प्रेपोजिशंस या सो कॉल्ड योर फिक्स्ड प्रेपोजिशंस इनमें से पूरे पूरे सेक्शंस आते हैं, ठीक है ना, पूरे पूरे 5 questions, 10 questions आपको इसमें से जरूर नजर आएंगे। और टेंसेस के बिना तो कभी अंग्रेजी पूरी हुई नहीं है। नरेशन वॉइस ना, ये दो हमारे थोड़े आउटडेटेड है, थोड़े आउटडेटेड टॉपिक है लेकिन भाई इनको छोड़ नहीं सकते। आप देखिएगा सेंटेंस कंप्लीशन में इनके क्वेश्चन थे, फिर इन द ब्लैंक्स में इनके क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये थी बात हमारी बच्चा लोग ग्रामर की। अब बात करते हैं कि भाई आगे चलते हुए इनमें से क्या आ सकता है, तुम्हें स्पॉटिंग एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें पहचानना है, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, ठीक है, ये भी यूपीएससी डालता है कि भाई दो सेंटेंस को कंबाइन करके दिखाओ। अब इस बार अगर आ गया तो क्या करोगे, लोग ढेरी गिरा देंगे, हम लोग बिल्कुल पार करेंगे। ओके जी, तो फ्रेजल प्रेपोजिशन मैंने लिख ही दिया, पीछे बता भी दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन, पहले मैं आपको बता दूं बच्चा लोग कि हमारा एक हाल ही में बैच शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है आक्रमण क्रैश कोर्स फॉर एनडीए 2024। तो जैसे कहते हैं कि भाई आक्रमण का टाइम आ चुका है तुम्हारा,
ठीक है, हार्डली 2-2.5 महीने है, बीच में त्योहार वगैरह आ जाएंगे, तो मतलब आप छुट्टियां भी रखेंगे, तो इसमें आप देखिए 14 जून को ये बैच हमारा स्टार्ट होगा। एंड इस बैच का मकसद रहेगा कि आपको अपनी मंजिल तक तेजी से लेके जाना। एंड इसमें हमारी सबसे बढ़िया टीम, देश की मानी तानी टीम, ठीक है, कि अखिल सर हैं तो मैथ्स हैं, ठीक है, मुक्तक सर, विशाल सर और श्रीपति सर हैं तो आपका जीएस का सेक्शन हो सकता है, और ये मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बैच में आप लोग एनरोल कीजिए तो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू एवरीथिंग। तो इस बैच के बारे में और मैं बात करूंगा, अखिल सर को कहूंगा कि सर इसके बारे में कुछ और बताइए प्लीज। जी सर बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि ये बैच जो है ये एक क्रैश कोर्स की तरह है, और मान के चलिए कि ये आप लोगों को कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको करवाने वाली है पूरे बैच के अंदर, जिससे कि आप एनडीए 2 2024 एग्जामिनेशन को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको भी मेहनत करनी है हमारे साथ साथ, ठीक है। तो ये बैच जो है ये आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 14 जून को ये स्टार्ट होने वाला है, और ये 15 अगस्त को ये बैच का एंड डेट है। यानी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेटा आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो कहाँ कराई जाएगी, ऑब्वियस ही बात है आप लोग हमारे साथ जुड़कर पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस वगैरह ज्वाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर, तो उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स समय आने पर बता दी जाएंगी। लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि सर तैयारी कैसे करें, तो आप लोगों के लिए प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर सभी टीचर्स दे रहे हैं। तो जैसा कि बताया कि आपको पूरे सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या समझाया कि कैसे कैसे चैप्टर्स को चुनना है, कैसे कैसे टॉपिक्स को चुनना है, अपने की पॉइंट्स को पहचानिए कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी आपकी वीकनेस है, वीकनेस है तो कितना काम करना है, स्ट्रेंथ है तो कितना उस पर वेटेज आपको रखना है। ये सारी बातें आप लोगों को मैंने मैथमेटिक्स के अंदर समझाया, ठीक है, मुक्तक सर ने आपको पूरे जीएडी के अंदर चुन चुन कर बताया कि किस बच्चे को, किस बैकग्राउंड के बच्चे को कैसे डील करना है, कहां से स्कोर लपेटना है, इसे कहते हैं स्कोर को लपेटना है, अपनी तरफ खींच कर लेकर आना है। और बाकी सिद्धांत सर आपको इंग्लिश के लिए बताएंगे कि कौन से की पॉइंट्स पर काम करना है सो दैट आप इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर पाए और आराम से कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो ये बैच की सारी डिटेल्स हैं, आपको और भी डिटेल्स अगर लेनी है तो ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा जिसे आप क्लिक करके सारी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो वहां पे डाउट भी आप पूछ सकते हैं, और साथ ही वहीं से आपको एनरोल करने का भी लिंक वहां से मिल जाएगा, राइट। और ये ओरिएंटेशन बेटा देखो ऐसे करके ओरिएंटेशन सेशन है यहाँ पर, ठीक है, ये 14 तारीख को यहाँ पर मुक्तक सर आप लोगों को इस पूरे बैच को ओरिएंटेशन के बारे में बताएंगे कि इस बैच में कैसे क्या क्या कैसे होने वाला है। और फिर उसके बाद क्लासेस देखिए यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस जो है कितनी तारीख से है, ये 20 जून से शुरू हो रही है और 20 जुलाई पर यहाँ खत्म हो रही है। पॉलिटी की क्लासेस 14 जून से 15 जुलाई पर खत्म हो रही है। मैथ्स की क्लासेस 22 जून से 20 जुलाई तक के लिए यहाँ पर खत्म हो रही हैं, मतलब ये आगे भी आएंगी, ये सिर्फ लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ खत्म हो रहे हैं, हो सकता है अगर कुछ क्लासेस बचेंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी तो वो आगे आपके क्लासेस जुड़ती जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको ये सारी डिटेल्स जो है कोर्स का जो फ्लो है, चाहे एजुकेटर्स के बारे में जानना है आप एजुकेटर्स को जाके और उनके अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप सभी एजुकेटर्स को जाकर आप उनकी स्पेशल क्लासेस से आइडिया ले सकते हैं कि चल क्या रहा है, पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या क्या आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो स्पेशल क्लासेस एक बहुत अच्छा फीचर आप लोगों को मिलता है जिससे आप कोई भी कोर्स खरीदने से पहले टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप उनसे देख सकते हैं कि आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, कई बार ये बहुत जरूरी होता है। जी मुक्तक सर कि बच्चा जो है एब्सोल्युटली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा डेमो जैसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कोई बैच परचेज करते हैं एंड देन फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो अनअकैडमी का ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिसमें वो स्टूडेंट्स को मौका देता है कि जिन टीचर्स का बैच आप परचेज करने जा रहे हो एक बार ज़रा देख लो उन टीचर्स को पढ़ाते हो। और ये कोई डेमो लेक्चर्स नहीं होते, ये लाइव लेक्चर्स होते हैं जिसमें वो टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में उनको पढ़ा रहा होता है, उनके सवालों के जवाब दे रहा होता है। तो ये वाकई में एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे कि अगर मुझे कोई बैच लेनी है तो मैं एक्चुअली देख सकता हूँ कि वो टीचर पढ़ाता कैसे, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का वो जवाब कैसे देता है, चीज़ों को वो एक्सप्लेन कैसे करता है, वो भी लाइव। तो ये डेमो लेक्चर नहीं होता। और मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा
कि आप स्पेशल क्लास में जरूर आओ और देखो स्पेशल क्लासेस में कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, देन इफ यू थिंक कि ये बेनिफिशियर है आपके लिए तो गो अहेड एंड बाय द बैच। बिल्कुल, स्पेशल क्लासेस में सर मैं तो देखता हूँ कि बच्चे पोल के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि भैया यहाँ पर भी वो लीडर बोर्ड, आखिरी तक मेरी क्लासेस में बच्चे लीडर बोर्ड के लिए वेट करते हैं कि सर हम आए हैं तो अब लीडर बोर्ड देख कर जाएंगे। तो क्या सिद्धांत सर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल सर बिल्कुल, ये पोल का फीचर है ना, तो बच्चे ये जो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन हम दे रहे हैं, ये जो फील दे रहे हैं, तो ये बच्चे को वाकई में बहुत मोटिवेट करता है। एंड कभी कभार सर आपने नोटिस किया होगा, कभी ऐसे ही बोले ना कि भाई ऐसे आंसर करो, नहीं सर पोल पे आंसर लो, हमसे पोल पे आंसर लो, है ना। एंड बाकी गाइस हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आप अगर एनरोल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिद्धांत सर से पढ़ सकेंगे, सिर्फ अखिल सर से पढ़ सकेंगे, सिर्फ मुक्तक सर से, जितना फैकल्टी है थ्रू आउट दी कैटेगरी, जितने भी बैचेस बीत गए हैं या आने वाले हैं या चल रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल एंड एवरीथिंग, तो एवरीथिंग इज गोना बी योर्स। ठीक है, तो इट इज वन एंड ओनली सब्सक्रिप्शन मॉडल दैट कवर्स एवरीथिंग। सॉरी सर आपको इंटरप्ट किया बीच में, एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। वाकई में मैं रिलेटिवली इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ आप लोगों के मुकाबले, पर एक फीचर ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया, और वो है हैंड रेज फीचर, जहाँ पे जिस स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होता है वो हैंड रेज कर सकता है, और जब वो हैंड रेज करता है तो मैं उसे इन्वाइट कर सकता हूँ। अब जब मैं उसे इन्वाइट कर सकता हूँ तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, मेरा कॉल उससे कनेक्ट हो जाता है, और वाकई में क्वालिटी बहुत अच्छी हुई कॉल की। मैंने जितनी बार भी इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट से, बहुत अच्छी क्वालिटी में इंटरेक्शन होता है, और ये मैं हमेशा मिस करता था कि ऑनलाइन सेगमेंट में अगर मुझे किसी स्टूडेंट से कुछ पूछना है और वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो जवाब कैसे दे रहा है उसका, अगर बहुत सारे वर्ड्स में जवाब है तो वो लिख के देना प्रैक्टिकल नहीं होता, पर मैं बोल के पूछ नहीं सकता था किसी स्टूडेंट से कि वो बोल के जवाब दे। यहाँ पे मेरे को वो फीचर मिला। सिमिलरली किसी स्टूडेंट, कई बार स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को सही से वर्ड्स में फ्रेम नहीं कर पाते, ये बहुत अच्छा फीचर है कि वो क्वेश्चन को हैंड रेज करके पूछ सकते हैं टीचर से, जैसे वो हैंड रेज करेंगे टीचर उन्हें इन्वाइट करेगा तो वो बोल के पूछ सकते, तो वो इंटरेक्शन हो सकता है। मतलब मेरे लिए इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैं SSB की क्लासेस भी लेता हूं, अब मैंने बताया कि इंग्लिश को इम्प्रूव करो, किसी स्टूडेंट ने बोला मेरी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, तो मैं उससे हैंड रेज करवा सकता हूं, उससे इंग्लिश में इंटरेक्शन कर सकता हूं, और ये सुन सकता हूं। तो ये ऑनलाइन मीडियम में मैं स्टूडेंट को सुन पाऊं, और स्टूडेंट तो ऑब्वियसली मुझे सुन पाएगा ही सही, लेकिन स्टूडेंट को मैं सुन पाऊं, ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यही बस मैं बताना चाह रहा था सर कि बिल्कुल सर बहुत बढ़िया फीचर ने बड़ा इंप्रेस किया। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो ये कई बार मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बच्चा जो है ना मैथमेटिक्स में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, तो ये मुक्ता सर ने बहुत बढ़िया बताया, और लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक बून है मेरे लिए कि मैं बच्चे से भले ही मैं उसकी फेस को नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मैं उसके फीलिंग्स को सुन पा रहा हूँ कि वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो जितना बेहतर तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करता है, और ये बात समझिए उतने ही अच्छे से हम उसके प्रॉब्लम को समझ कर उसका जवाब दे पाते हैं। अगर वो लिखने में ही अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ये दिक्कत रहती है, तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है। यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, कई बार दो इंडिविजुअल्स जब चैट के ऊपर बात करते हैं है ना, तो एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स जो होती है ना, वो सॉरी जो फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से चैट पे बात कर रहे होते हैं और हम अचानक उसकी किसी बात को लेके बहुत ऑफेंसिव फील करने लगते हैं, पर एक्चुअली उसका मीनिंग वो नहीं होता क्योंकि हमको टोन नहीं पता होती कि वो किस टोन में वो बात कर रहा है। सिमिलरली कभी कभी किसी की लिखी हुई बात को हम मजाक में ले लेते हैं क्योंकि अगेन हमें टोन नहीं पता होती कि किस टोन में उस बात को ले रहा है। तो यहाँ पे जो ये फीचर है कि आप बोल सकते हो, एक स्टूडेंट के तौर पर आप बोल के बता सकते हो, तो एक्चुअली जो आपकी फीलिंग्स हैं या आपके डाउट्स हैं उसको बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये बात भी इसमें बहुत वैल्यू एड करती है। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, राइट? तो अब आप लोग प्लीज स्पेशल क्लासेस को एक बार जरूर जाकर जरूर देखिए। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ पहले ज्वाइन कर लीजिए फिर देखिए, आप स्पेशल क्लासेस को फॉलो कीजिए। स्पेशल क्लासेस की लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से देखिए। ये स्पेशल क्लासेस के बारे में सिद्धांत सर बता रहे हैं, जरा इसे ध्यान से सुनिए, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा स्पेशल क्लासेस का बूट कैंप
जो हम 4 जून से लेके 8 जून तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल स्पेशल क्लासेस फ्रॉम ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया लेके आए हैं गाइस। तो इसके फीचर्स इंडिया ऑब्वियसली बात है देश भर के माने ताने एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे एंड दीज आर एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस एंड आप लोगों को इंटरैक्टिव पोल्स जैसा अभी सर बात कर रहे थे पोल्स पे आपको कंपटीशन करवाया जाएगा एंड देखेंगे आप कहां पे आप स्टैंड करते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके डाउट्स क्लियर होंगे बाय चांस जरूरत पड़ी तो आपसे कॉल पे कनेक्ट किया जाएगा और हर चीज जो है आपकी बिल्कुल विल बी क्लियर फ्रॉम द वेरी बेसिक राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी स्पेशल क्लास में आप लोग एनरोल कर सकते हैं हर एक स्पेशल क्लास का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा गाइस। तो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जैसा कि मुक्तक सर कह रहे थे कि आप डाउनलोड कर लीजिए और ये कॉम्प्रिहेंसिवली आपको नोट्स बनाए हैं इनके थंबनेल्स दीजिए बाकी मुक्तक सर आगे आप बता दीजिए। सर सॉरी सर आई कुड नॉट हियर यू। तो सर आगे मैंने कहा करंट अफेयर्स के बारे में आप बता दीजिए लास्ट 6 मंथ्स में ये कैसे डाउनलोड करना है एंड सो ऑन। बिल्कुल सिंपली आप इसको स्कैन कीजिए और इसको स्कैन करने के बाद में आप यू विल बी डायरेक्टेड टू द नोट्स ऑफ द करंट अफेयर्स और आप उसको एक्सेस कर सकते हो एंड देन आप उसको रीड करो उसके नोट्स बनाओ दैट्स इट। जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला था कि बुलेट पॉइंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है इन 2.5 महीनों में आपको कवर बहुत सारा करना है बट डोंट वरी। क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि एक साल का करंट अफेयर्स पूछते इसका मतलब ये नहीं कि एक एक दिन क्या हुआ था वो पूछेंगे। पूछा हमेशा मेजर इवेंट्स के बारे में ही जाता है और मेजर इवेंट्स रोज रोज नहीं होती लेकिन आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा मेजर इवेंट्स क्या होती। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जनरली डिफेंस की एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं एनडीए में खासतौर पे सीडीएस में तो आते हैं क्वेश्चंस लेकिन मैं स्पोर्ट्स का आपको बताता हूँ। अब स्पोर्ट्स के अंदर अपने को ये नहीं देखना है कि आज किसने सेंचुरी बनाई आज किसने 5 विकेट लिए। बड़ी बड़ी जो कॉम्पिटिशन्स होती जैसे वर्ल्ड कप हुआ अब वर्ल्ड कप किसने जीता वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ खेला गया था वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था या फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था इस तरह की जो डिटेल्स होती इतना ही आपको ध्यान रखना है। या फिर मान लीजिए कि इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ में कोई डील हुआ तो उस कंट्री के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। मान लीजिए इसराइल के साथ हमारा कोई डील हुआ तो वो इसराइल के बारे में पूछ लेंगे उसकी कैपिटल के बारे में पूछ लेंगे उसकी जियोग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं उसके पास में मेडिटेरेनियन सी है उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। हो सकता है कि श्री प्रतीक सर अभी यहाँ होते तो बता भी देते कि हाँ सर ऐसा कुछ पूछा भी था। या साउथ ईस्ट एशिया में अगर हमारा किसी कंट्री के साथ कोई डील होता है हम किसी को वेपन सेल करते हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी देते तो उस वेपन के बारे में उस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पूछ सकते या जिसको हमने कंट्री को दिया है उस कंट्री के बारे में कुछ पूछ सकते। तो आपको ये देखना है कि हमने मेजर इवेंट्स क्या किए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन टर्म्स ऑफ वेपन्स डील्स इन टर्म्स ऑफ पीस ट्रीटीज इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रीटीज। तो ये जो सारे मेजर इवेंट्स होते हैं ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको प्रोसेस्ड कॉन्टेंट मिलेगा जिसके अंदर से आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने और वो बुलेट पॉइंट्स बना के जस्ट गो थ्रू देम उनको समझने की कोशिश करो। कभी उनको याद या रटने की कोशिश मत करना उसको हमेशा समझने की कोशिश करो। अगर कोई इवेंट है उस इवेंट को ठीक से पढ़ो। जैसे आप उसको ठीक से पढ़ोगे आप इस काबिल हो जाओगे कि आप एक सवाल के 4 ऑप्शंस में से 2 एलिमिनेट कर सकते हो और बचे हुए 2 में से सही आंसर लगाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो दैट्स इट। जी सर तो ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादातर डाउट्स जो हैं हम लोगों ने टैकल कर दिए होंगे प्रिपरेशन रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड स्पेशल क्लासेस में ज़रूर आइएगा एनरोल योरसेल्फ्स टू प्लस सब्सक्रिप्शंस एंड सी यू ऑल सून गाइस। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट।